हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई एम श्योर यू मस्ट बी फाइन। तो दोस्तों, वीआईपी एकेडमी में आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर, और मैं नरेश प्रजापति आज आपको कुछ डिफरेंटली इंग्लिश सिखाऊंगा, कुछ वर्ड्स भी सिखाऊंगा, कुछ सेंटेंसेस तो कुछ रूल्स, और ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे एक स्टोरी में या मे बी एक जोक में। सो जोक्स के या स्टोरी के जरिए हम इंग्लिश आज सीखने वाले हैं, इम्प्रूव करने वाले हैं। सो आर यू रेडी गाइस? फैंटास्टिक। सो सबसे पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स सिखाना चाहूँगा, एंड नंबर वन इज वंस मीन्स एक बार। वंस मीन्स एक बार, तो दो बार का इंग्लिश क्या होगा? ट्वाइस। और अगर तीन बार कहना है तो थ्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्राइस। लेकिन चार बार को फ्राइस नहीं कहते, चार बार के लिए है फोर टाइम्स। क्या है? फोर टाइम्स। और उसके बाद है वंस अपॉन अ टाइम, जिसका मीनिंग है कोई एक बार, तो कोई एक बार को कहेंगे वंस अपॉन अ टाइम। एंड उसके बाद है टू बैग मीन्स भीख मांगना। टू बैग के बाद है बैगर, जो आप जानते होंगे, बैगर मीन्स भिखारी। एंड उसके बाद है हंग्री मीन्स भूखा, लेकिन एंग्री मीन्स गुस्सा किया हुआ, राइट? सो यह हंग्री मीन्स भूखा। और उसके बाद है हंगर, हंगर मीन्स भूख, और हंगर स्ट्राइक आपने सुना होगा। सो हंगर स्ट्राइक मीन्स भूख हड़ताल। उसके बाद है इन द नेम ऑफ गॉड, इसका मीनिंग है भगवान के नाम पर। एंड उसके बाद है चपाती मीन्स रोटी, सो चपाती मीन्स रोटी होता है। एंड उसके बाद है टू स्टैमर मीन्स हकलाना, टू स्टैमर मीन्स हकलाना। एंड उसके बाद है वॉरेसियस मीन्स भुक्खड़, जिसको बार बार यू नो खाने की इच्छा होती है, भुक्खड़, डेट इज वॉरेसियस। और लास्ट है फॉन्ड ऑफ मीन्स का शौक होना, शौकीन होना। तो दोस्तों, ये जो शब्द, ये जो वर्ड्स मैंने आपको सिखाए, वो सारे वर्ड्स का यूज करके अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी हिंदी इंग्लिश में हम बोलेंगे, कुछ नए ग्रामर के पॉइंट्स कवर करेंगे। सो आर यू रेडी गाइस? फैंटास्टिक, लेट्स कंटिन्यू। कोई एक बार, वंस अपॉन अ टाइम, एक नगर था, देर वॉज अ टाउन। उस नगर में, इन दैट टाउन, देर वर मैनी फ्लैट्स, बंगलोज, रो हाउसेस एंड स्लम्स। ऐसे अलग अलग अपार्टमेंट, बंगलोज, रो हाउसेस एंड स्लम्स, मानो क्या होता है, झुंपड़पट्टी, ये सब था। एक दिन, वन डे, एक भिखारी ने एक सोसाइटी में प्रवेश किया। बैगर एंटर अ सोसाइटी। तो दोस्तों, ये जो शब्द है एंटर, उसके बाद न तो इन आता है न तो इनटू आता है, और बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, तो ध्यान में रखना है। सो बैगर एंटर द सोसाइटी। बैगर मतलब भिखारी, बहुत भूखा था। द बैगर वॉज वेरी हंग्री, उसको कुछ खाने की इच्छा थी। ही वॉन्टेड टू ईट समथिंग, इच्छा थी, वॉन्टेड टू ईट समथिंग, इसलिए वो एक लड़की के पास गया। सो ही वेंट टू अ गर्ल, लड़की दरवाजे पे खड़ी थी। द गर्ल वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, सो द बैगर वेंट टू द गर्ल एंड रिक्वेस्टेड, विनंती की कि मुझे रोटी दे दो, प्लीज गिव मी अ चपाती। जो लड़की खड़ी है वो बोलती है, उसने कहा, द गर्ल सेड टमाटर खाओ। तो वो भिखारी बोलता है, बेटी मुझे टमाटर नहीं खाना है, आई डोंट वॉन्ट टू ईट अ टोमेटो, मुझे रोटी की इच्छा है, आई जस्ट वॉन्ट अ रोटी। तो लड़की फिर से बोलती है, टमाटर खाओ। तो वो बैगर है, वो बोलता है कि टमाटर नहीं खाना है, मुझे रोटी खाना है, आई वॉन्ट टू ईट अ चपाटी। तीसरी बार वो लड़की बोलती है, टमाटर खाओ। तो तीसरी बार वो बैगर हाथ जोड़ के बोलता है, प्लीज मुझे टमाटर नहीं खाना है, मुझे रोटी खानी है। उतने में जो लड़की है ना, उसकी मम्मी आती है। मीनवाइल द गर्ल्स मदर केम एंड सेड, और कहा, अरे भैया जाओ ना, मतलब वो मम्मी वो भिखारी को कहती है, प्लीज गो अवे, जाओ यहाँ से, अरे वो मेरी लड़की है, उसको हकलापन, मतलब वो हकलाती है जब बोलती है, वो बेसिकली टमाटर की बात नहीं करती, वो कहती है कमा कर खाओ। ये सुन के बैगर बेहोश। तो दोस्तों, वो लड़की है ना, वो हकलाती थी, द गर्ल वॉज स्टैमरिंग, तो स्टैमर मतलब हकलाना, और वो बेसिकली कहती थी कि कमा कर खाओ, मीन्स पहले कमाओ
देन खाओ। लेकिन वो भिखारी क्या समझ रहा था, टमाटर खाओ, क्योंकि वो लड़की है ना, वो जबान मतलब वो हकलाती थी। सो यू गॉट इट। सो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज और वर्ड्स और कुछ नए टॉपिक्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा। सो कीप वॉचिंग योर फेवरेट चैनल VIP Academy। एंड यस, अगर आपको ये जोक या स्टोरी अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहे कि और कोई माध्यम से मैं आपको इंग्लिश सिखाऊं तो वो भी जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय, टेक केयर।